चलिए अविनाश बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें बेहद उत्साहित करने वाली हैं। इस बीच अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, वहां पर क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है? बिल्कुल, हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, गोरखपुर एयर स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं जितने भी अंदर सांसद, विधायक और भाजपा के जो बड़े नेता थे वो यहां पहुंचे हुए थे और उनकी गाड़ियां लगातार फ्लीट्स बाहर निकल रही हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं, और उनके आने के बाद ही जो बाकी गाड़ियां थी, जो बाकी प्रोटोकॉल्स के अलावा जो गाड़ियां थी, उन्हें बाहर किया जा रहा है एयरपोर्ट से, क्योंकि अब उनकी फ्लीट यहां से बाहर निकलेगी। और आप अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि मेरे दोनों तरफ सड़क पर किस तरह से लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। भारी तादाद में लोग यहां रुके हुए हैं, पहुंचे हुए हैं उन्हें देखने के लिए, और लगातार आप देख सकते हैं कि उनकी फ्लीट्स के निकलते निकलते लगातार यहीं से ही रोड शो शुरू होगा, रोड शो की शुरुआत भी होगी। लेकिन जो लोग यहां पर, जो डिग्निटरीज पहुंचे हुए थे, जो विधायक और सांसद, इस पूरे पूर्वांचल के ज्यादातर विधायक, आसपास के जिलों के विधायक जो पहुंचे हुए थे, उनको यहां उनकी फ्लीट्स के साथ बाहर किया गया है। लिहाजा अब सीएम की अपनी फ्लीट क्योंकि बाहर निकलेगी इसीलिए, और आप देख सकते हैं लगातार ये गाड़ियां निकल रही हैं सांसदों की, विधायकों की, जो अंदर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। ये ठीक बाहर का नजारा है जो आप देख सकते हैं, एयरफोर्स स्टेशन के बाहर का नजारा है ये, और अंदर उनका आगमन हो चुका है, लोगों ने उनका स्वागत किया है, और अब बस चंद लम्हों की देरी है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से अलर्ट किया जा रहा है, बाहर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि बस वो बाहर निकलने को हैं, और यहीं से ही उनके रोड शो की शुरुआत भी होगी। लिहाजा लोगों का भी जो हुजूम है वो एक तरफ पूरी तरह कॉर्डन ऑफ किया गया है। आईपीएस लेवल के अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं जो पूरी तरह सुरक्षा को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लोग किस तरह दोनों तरफ हाथ में झंडे लिए हुए नारे लगा रहे हैं, लोग दोनों तरफ खड़े हुए हैं सिर्फ उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको देखने के लिए, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लंबा इंतजार उनको यहां लोगों ने किया, क्योंकि लोग ये भी कयास से लगा रहे थे कि जैसे ही योगी शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद गोरखपुर आएंगे, मंदिर आएंगे, मठ पर आएंगे, या तो फिर शपथ लेने से पहले मठ पर आएंगे, अपने मंदिर में लोगों से मिलेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो लगातार वहां पर एक्शन मोड पे भी दिखाई दिए, और उसके बाद 25 तारीख को उनके कार्यक्रम के आने के बाद से ही पूरे गोरखपुर में इसी तरह तैयारियों का जोर देखने को मिल रहा था, और आज आखिरकार वो वक्त आ गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में बस आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियों के काफिले, जो प्रोटोकॉल्स के अलावा जो गाड़ियां अंदर मौजूद हैं वो बाहर निकाली जा रही हैं एक के बाद एक, और पूरी तरह एयरफोर्स की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी जो सिक्योरिटी चेक है वो कोई अधूरा ना रह जाए, इसीलिए पूरी तरह से उनकी तरफ से भी कॉपरेट किया जा रहा है। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के उसी तरह के इंतजाम है, न सिर्फ केंद्रीय पुलिस भी दिख रही है, काफी कड़ी है और लाजमी है जिस तरीके से लोग यहां पर इकट्ठा है। अभिषेक, बातचीत करने की कोशिश कीजिए लोगों से कि किस तरीके का उत्साह उनमें है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, सीएम यहां पर बनने के बाद पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, और लोग किस तरीके से क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? किसी को बुलाइए। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी लोगों के अंदर इस तरह का कौतूहल है कि वो अभी सिर्फ उस तरफ निहार रहे हैं, दरवाजे की तरफ एयरफोर्स स्टेशन के। कितना इंतजार कर चुके थे आप लोग, और कितना देर से खड़े हैं यहाँ, और अपने सम्मानित नेता का, इस पूर्वांचल के गौरव, हम सबके अगुआ श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और काफी उत्साह के साथ आप देख सकते हैं हम लोगों के साथ। आप लोग बड़ा लंबा इंतजार करा दिया महंत जी ने यहाँ पर सीएम बनने के बाद। इंतजार क्या है, बस खुशी है और क्या। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर इंसान वो खुश है हिंदुस्तान से जो प्यार करता है, और गर्व है कि आज हमारे गोरखपुर के गोरख सिद्धेश्वर श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ के सीएम बने हैं, और हम लोग उनके स्वागत में हैं और मरते दम तक रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, गोरखपुर पूरा सजा हुआ है आज। आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम, किस तरह उनका स्वागत करने आए हैं? हम लोग माननीय कमलेश पासवान सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ स्वागत करने के लिए उनके विभाग हुए हैं, बाकी और तैयारी है। आप यहाँ हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है, और इसी तरह जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है पूरे गोरखपुर में, दोनों तरफ जहाँ से उनका रोड शो होकर गुजरेगा इसी तरह का कोई नजारा है। लोग नारे लगा रहे हैं, लोग
जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इसी तरह का नजारा पूरे गोरखपुर में देखते बन रहा है। बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ यहां से बाहर निकले, क्योंकि उनके जो प्रोटोकॉल के अलावा जितनी गाड़ियां थी, जो लोग उनसे मिलने पहुंचे थे, उन गाड़ियों को उन डिग्निटरीज के साथ एयरपोर्ट स्टेशन के बाहर किया गया है और अब हर किसी को इंतजार है कि बस कुछ ही लम्हों में वो बाहर निकले। अंदर जो सिक्योरिटी चेक होता है या अंदर कुछ लोग हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उतरने के बाद ही वो लोग स्वागत करने पहुंचे थे। उनका कुछ मंदिर के भी लोग अंदर मौजूद हैं और उसके बाद वो इसी गेट से, मेरे ठीक पीछे जो गेट बना है, इसी गेट से योगी आदित्यनाथ यहां से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर आए हैं, उनके लिए भी बड़ा सुखद अनुभव है कि यहां के लोग, यहां के जो रिहायशी लोग हैं, यहां के बाशिंदे हैं, वो उनका अभिनंदन करना चाहते थे। इसीलिए एक वेन्यू डिसाइड किया गया, महाराणा प्रताप कॉलेज, जहां पर उनके लिए बाकायदा नागरिक अभिनंदन एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर जो डिग्निटरीज लोग हैं, शहर के जो गणमान्य लोग हैं, वो उनका अभिनंदन करेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, और मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार गोरखपुर एयरपोर्ट पर बने हुए हैं, जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। इसी के साथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से अविनाश लगातार बने हुए हैं। तो अभिषेक, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हैं, काफी उत्साहित हैं लोग। जी हाँ बिल्कुल, बहुत उत्साहित हैं और यही वजह है कि ये भीड़ कहीं से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने महंत योगी आदित्यनाथ को अक्सर कई सारे मुद्दों पर खड़े होते देखा था। इतना सुलभ हुआ करते थे वो, 10 बजे से सुबह बैठते थे अपने मठ पर, लोग उनसे आसानी से आकर कोई भी बात कहते थे, अपने घर के झगड़ों के तक डिस्कस किया करते थे उनसे। लेकिन आज वही उनके अपने महंत महाराज जी, बाबा जी, आज मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनका प्रोटोकॉल, जिस तरह की तस्वीरें टीवी पर भी लोग देख रहे थे, उसके बाद वो आखिरकार यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं। सबको पता है कि मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी है और उसके सामने हर चीज को उन्हें दरकिनार करना पड़ेगा, चाहे वो इस तरह आसानी से लोगों से मिलना हो। और यही वजह है कि हमने लोगों से बातचीत भी की थी, लोगों ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया इस बात को कि इतना आसान नहीं होगा उनसे मिलना। हालांकि मंदिर के प्रशासन ने भी ये बात कही कि आज किसी भी तरह के पब्लिक अपेयरेंस में वो बिल्कुल आएंगे सामने, पब्लिक को अपने दर्शन देंगे, बातचीत दूर से खड़े होकर जरूर कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह 1-to-1 लोग आके बातचीत कर सकते थे, इस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वो बहुत मुश्किल देख सकते हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ उनके खुद दर्शन करने के लिए, बिल्कुल दर्शन करने, बिल्कुल अभिषेक, थोड़ा मुश्किल होगा लोगों का बातचीत करना, लेकिन उसके बाद भी लोग दूर से ही सही, लेकिन एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जरूर इकट्ठा हुए हैं। अभिषेक, फिर से लौटूंगी आपके पास, लगातार नजर बनाए रखिए कि किस तरीके से वो निकलेंगे यहाँ से और उसके बाद रोड शो शुरू होगा। अविनाश इस बीच जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर बात करें हम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की, काफी भीड़ वहां पर भी देखी जा रही है, काफी भीड़ नजर आ रही है तस्वीरों में, वहां पर क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से लोग वहां पर भी उत्साहित है, क्योंकि लगातार जो लोग है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनकी एक झलक पाने के लिए जो उत्सुकता है वो देखी जा सकती है। अविनाश, बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो शाम 5 बजे का तय वक्त था कि शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सुबह से ही, जब से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तब से लेकर अब तक यहाँ पर कह सकते हैं कि सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था और जो साथ में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अगर हम विधायकों की बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम सांसद पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ का, वो यहाँ जब पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा और जो मंच बनाया गया यहाँ पर, उस मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज योगी जी गोरखपुर पहुंच रहे हैं, कितना खास मानते हैं आप लोग? अरे योगी जी हमारे पूजनीय है, ये गोरखपुर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और किए भी हैं, हमारे महाराज भी हैं, इनके ऐसा कोई सीएम नहीं। अविनाश, अविनाश, लोगों के बीच आपको एक बार फिर से गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हुआ है एयरपोर्ट से। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि अब योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद यहां से निकलेंगे और लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से रुक करूंगी अभिषेक का। अभिषेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ वहां से?
जी हाँ, नहीं अभी योगी आदित्यनाथ नहीं निकले, लेकिन अपने काम बसों से कहूंगा दिखाए, दरवाजा खुला है, एसएसपी और जो सुरक्षा कर्मी है उनकी गाड़ियां आगे की गई हैं, यहाँ जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी हैं चाहे वो आईजी हो उनकी गाड़ियां फ्लीट में आगे रहेंगी, लिहाजा उनकी गाड़ियां भी बाहर कर दी गई हैं एयरपोर्ट से, और अब दरवाजा खुल चुका है एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर का, जहां अंदर वो मौजूद हैं और उनकी फ्लीट पूरी तरह से अंदर तैयार है, और आप देख सकते हैं ये शुरुआत हो रही है फ्लीट के उनके बाहर निकलने की, एक के बाद एक गाड़ियां बाहर निकलना शुरू हुई हैं। सबसे पहले ये फ्लीट की पहली गाड़ी है जो बाहर निकली है, उसके बाद अब ये दूसरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं लगातार अब गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं गोरखपुर, एक लंबा इंतजार करा लोगों ने यहां उनका, लेकिन हर कोई इतना उल्लासित है, इतना उत्सुक है, इतना कौतूहल है सब में कि हर कोई यहां पर आप लंबी कतारें देखेंगे पूरे गोरखपुर में, इसी तरह की कतारें जो हम रास्ते से आ रहे थे आज सुबह से ही लोग इसी तरह अपने अपने घरों के बाहर चाहे पोस्टर्स लगाए हों, बैनर्स लगाए हों उनके स्वागत के लिए, और ये आ चुके हैं महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर गोरखपुर में, सामने उनकी गाड़ी गुजर रही है, आगे वो बैठे हुए हैं, और अपने कैमरा से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि महंत योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से सिक्योरिटी का घेरा उन्हें घेरे हुए है, और ये वो पहुंचे हैं और दोनों तरफ से लोग तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये सामने तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी अपनी कर्म भूमि में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और लोगों की आवाज सुनकर ये देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोग यहां पर उत्साहित हैं और अपने सीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक महंत की भूमिका निभाते हुए उन्हें देखा गया था, एक सांसद की भूमिका निभाते हुए उन्हें देखा गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो पहुंचे हैं और अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से उनका जो काफिला है वो निकला है यहां से, और उसके बाद सिक्योरिटी यहां पर काफी कड़ी है, सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर काफी कड़े हैं, और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग दरअसल यहीं से ही इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। गोरखपुर में ये रोड शो होगा जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी किया जाएगा। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है जिसमें शहर भर के गणमान्य लोग मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां भी उतनी ही आतुरता नजर आ रही है जितना यहां पर उपस्थित लोग आतुर नजर आ रहे थे। एक बार फिर से रुक करूंगी अविनाश का, अविनाश यहां से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, लोगों की उत्सुकता वहां पर क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली अगर बात करें जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में, जहां पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाएगा, जो शहर के लोग होंगे, जो तमाम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो पदाधिकारी है यहाँ के, स्वागत में खड़े हुए हैं रोड के दोनों तरफ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आप कह सकते हैं कि जो गोरखपुर के लोग हैं वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि पहली बार आज पहुंच रहे हैं योगी जी, हम बात कर रहे थे कि चूंकि जिस तरीके से भरोसा दिखाया है लोगों ने, तो वैसे में अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बड़ी होंगी गोरखपुर के लोगों की। हाँ, बिल्कुल बड़ी हुई है, गोरखपुर जो ना योगी का नाम है, योगी का लोग है। जी जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। आदित्यनाथ आ रहे हैं हम लोग के गोरखपुर शहर में, हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खुश है। काम ये बताइए, आपको लगता है कि काम होगा? अब कोई रोक नहीं सकता, कोई काम के लिए विकास होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जी हाँ बोलिए, काम होगा, काम होगा। योगी जी मुख्यमंत्री बने से पूर्वांचल का ही पूरा विकास होगा, गोरखपुर का विकास होगा, आसपास का पूरे पूर्वांचल का विकास होगा योगी जी के आने से। कुछ लोग ये बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने थोड़े से दूर हो गए यहाँ के लोगों से। हमारे सीएम आज हमारे शहर में आ रहे हैं। ये जो है ये
यहाँ के सारे सांसद रह चुके हैं और जब से ही हुए हैं तब से ही कार्यकाल पूरा उनका तेजी से है और इनके ऐसा कोई आइटम बम नहीं हो सकता। तो अंजलि, जो लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, इनका उत्साह आप देख सकती हैं और समझ सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए, इन लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ का महत्व क्या है। खास बात यह है अंजलि कि पिछले दो दशकों से यहाँ से सांसद घोषित कराते रहे हैं और वैसे में माना जा रहा है कि जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अब सूबे के मुखिया है। और जिस तरीके से माना जाता है, अगर पूर्वांचल की बात करें, गोरखपुर का जो पूरा क्षेत्र है, अगर गोरखपुर की बात करें, बस्ती, देवरिया या बलिया या मऊ की बात करें, तो माना जाता है कि प्रदेश में दूसरे हिस्सों के मुकाबले कहीं ना कहीं जो गोरखपुर का विकास है वो थोड़ा सा कम हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर दिमागी बुखार की बात करें, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ के लोगों को अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि इनके जिले का, इनके इलाके का एक ऐसा व्यक्ति गया है जो कि अब सूबे का मुख्यमंत्री बना है। तो वैसे में कह सकते हैं कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इन उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ कितना खरा उतरेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल जिस तरीके से पद संभालने के बाद से ही जिस तरीके से वो काम करते आ रहे हैं, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, कई बड़े फैसले लिए गए, तो वैसे में लोगों को भी उम्मीद कि हो सकता है इस क्षेत्र के विकास के लिए जो विकास थोड़ी सी बिल्कुल अविनाश और लाजमी हो जाता है जब कोई नेता आप ही के बीच से चुनकर मुख्यमंत्री बनता है, तो जो तमाम लोग हैं उनका इस तरीके से उम्मीदें बांधना लाजमी है, उत्साह लोगों को नजर आ रहा है। अविनाश, इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब मुख्यमंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और उनका काफिला दरअसल किन किन जगहों से होकर गुजरेगा उसकी तस्वीर सीधे हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आदित्यनाथ का रोड शो नंदा नगर, साथ ही साथ मोहद्दीपुर और यूनिवर्सिटी, गणेश चौराहा, ये तमाम जगह जहां से होते हुए काली मंदिर पहुंचेगा। और उसके बाद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अविनाश, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये समारोह रखा गया है, लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। अविनाश, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी है, तकरीबन कितनी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए होंगे? देखिए अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि जिस मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है और हालांकि जो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं यहाँ के इस कार्यक्रम के, उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। हालांकि ग्राउंड छोटा है, इसलिए उनका ये कहना था कि सिर्फ गोरखपुर के लोगों के आने की संभावना है, लेकिन जैसा कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि जिलों से आए हुए थे, तो 20 से 25 हजार की संख्या में तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और साथ में जो तमाम जो विधानसभाएं हैं पूरे गोरखपुर जिले की, विधानसभाओं के विधायक हैं और आसपास के जिलों के कुछ सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक दूसरी बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ साथ जो हिंदू युवा वाहिनी है उसके भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो चूंकि अब कह सकते हैं कि जो इंतजार था यहाँ के लोगों को, जिसमें सभी यहाँ के लोग इंतजार भी कर रहे थे, माना जा रहा है कि कुछ देर बाद अब योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुनना चाहते हैं सूबे के मुखिया को, क्योंकि इससे पहले वो यहाँ के सांसद हुआ करते थे और जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक जो उनका काम करने का तरीका रहा, हालांकि लोग भी ये बोल रहे थे। और कुछ देर पहले यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली थी जिन्होंने खास तौर पर कुछ गीत तैयार किए थे सीएम के, योगी आदित्यनाथ के लिए। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा अंजलि की, जो उत्साह है लोगों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लोगों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकती है तस्वीरों में कि जो पूरा ग्राउंड है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का, पूरा ग्राउंड बीजेपी कार्यकर्ताओं और यहाँ के लोगों से भर चुका है, ग्राउंड में अब जगह नहीं बची है। वैसे में कह सकते हैं थोड़ी सी समस्या आ सकती है क्योंकि जो इस कार्यक्रम का आयोजक थे उनका भी ये कहना था कि ग्राउंड छोटा है, इसलिए हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे थे कि 20 से 25 हजार की संख्या तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। कुछ लोग अंजलि, कुछ लोग बोलना चाह रहे थे उनसे बात, कुछ बोल दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया यार, बाबा जी बहुत नजदीक है, बहुत विकास है। देख सकती है लोगों को इंतजार है योगी आदित्यनाथ के आने का, जो कि एयरपोर्ट से योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे हैं। और कह सकते हैं जो यहाँ का माहौल है,
माहौल बहुत ज्यादा माहौल में बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि लगातार जो यहाँ के लोग हैं तो इस बात को बार बार दूर आ रहे हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ी है कि क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र में काम होगा। लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो पहले कामकाज होता था कामकाज कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ करता था और क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा जो बुनियादी जरूरत जो होती थी सुविधा मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिल पाई थी। इस चीज को लेकर जो लोग आश्वस्त हो रहे हैं आदित्यनाथ योगी की बात करें तो अगर हम गोरखपुर से बाहर जाए तो कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है आज तक एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर की जाती है, लेकिन जो गोरखपुर के लोग हैं जो यहाँ के लोग हैं उनका नजरिया योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ और है। यहाँ पर वो एक सर्वमान्य नेता है और शायद किसी वजह से वो पिछले 5 बार सांसद के तौर पर चुनते आए हैं तो यहाँ के लोगों में गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ की छवि कुछ और है। जो बाहर है अगर गोरखपुर से बाहर जाते हैं जिस तौर पर एक पहचान स्थापित हुई है, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अक्सर छवि वाले नेता ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं आरोप लगाती है, लेकिन यहाँ के लोगों का यह कहना है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो यहाँ के लिए काम करती है। यहाँ की कई ऐसी जनजातियां हैं, एक खास जनजाति है जिनके उत्थान के लिए भी जो इनकी संस्था है योगी आदित्यनाथ की संस्था ने काफी काम किया, उसके उत्थान के लिए काम किया और जो समस्याएं इस जनजाति की उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई। दिमागी बुखार की बात करें हालांकि कई बार इससे पहले अविनाश लगातार लोग बने हुए आपके साथ एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करिए लोगों से कि लोगों को अब क्या कुछ उम्मीदें हैं। एक सांसद के तौर पर लोगों ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देखा लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने नेता से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं वहां पर मौजूद हैं। उनके संगठनों का नाम पढ़ दिया है बिल्कुल अंजलि सीधे लोगों के पास चलेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए अभी तक आपने सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखा है, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं और यूपी में विकास की गंगा बहेगी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। जय श्री राम, जय श्री राम, घर घर बोली। आप बोलिए कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं? 100 में 100 है, पहले कुछ कम था पर सबसे ज्यादा है। शहर का है तो उम्मीदें बढ़ेंगी भैया, मुख्यमंत्री हमारे विकास देगा तो कभी नहीं उम्मीदें नहीं बढ़ेंगी तो कब उम्मीदें बढ़ेंगी? अब तो मुख्यमंत्री अपने शहर का है, लग रहा है कि काम होगा, एकदम काम होगा भैया, यूपी का होगा, यहीं के नहीं पूरे यूपी का होगा। तो देखिए जो लोग हैं यहाँ के उनका भी यही कहना है कि शहर का मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदें थी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ और लोग हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। 14 साल का वनवास था, अब राम राज आ गया है, अयोध्या में राम मंदिर बन के रहेगा। ये कोर्ट का मामला है लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं अंजलि की जो लोग हैं बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और लोगों को इस बात का यहाँ पर लोगों के अंदर सुकून दिख रहा है कि ये शहर का मुख्यमंत्री है तो वैसे में जो उम्मीदें थी वो बढ़ गई है और लोगों को अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो यकीन के साथ ये बोल रहे हैं कि शायद अभिषेक तो मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और अविनाश सीधे तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हमारे पास महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से जहां पर यह अभिनंदन समारोह रखा गया है और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनके स्वागत में यहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अविनाश कितनी देर में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री यहां पर, इस बाबत कुछ जानकारी? बिल्कुल एयरपोर्ट से निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ और मैंने पहले भी जिक्र किया 100 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाएगा जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी होंगे और गोरखपुर के रहने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और वहां पर उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। उसके बाद वो होते हुए एयरपोर्ट से निकलने के बाद तमाम जो रास्ते वास्ते होते हुए इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो माना जाता है एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक पहुँचने में योगी आदित्यनाथ जी। तो अविनाश लगातार बने हुए हैं, थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, मंच यहाँ पर एक बनाया गया है और
लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की ओर, लोगों का जोश, लोगों का उत्साह भी वैसे वैसे लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद लोग पहुंचे थे यहां पर उनका स्वागत करने के लिए। गोरखपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब पहुंचे थे वो यहां पर, और दूसरी तस्वीर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की तस्वीर है जहां पर ये मंच सजाया गया है और यहां पर योगी आदित्यनाथ का इंतजार किया जा रहा है कि किस क्षण वो यहां पर पहुंचे और लोग उनकी एक झलक पाए। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में पहला दौरा है योगी आदित्यनाथ का और पहली बार लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले हैं। लोगों का एक विशेष लगाव रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ क्योंकि एक पायदान नेता उन्हें माना जाता है और लोगों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के लिए वो जाने जाते हैं कि किस तरीके से लोगों से उनकी बातचीत है और लोग किस तरीके से उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।